बीजेपी सांसद केपी यादव और बेटी का जातिगत प्रमाण पत्र निरस्त गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से चुनाव हराकर देशभर में सुर्खियों में आए भाजपा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। सोमवार को अशोकनगर के मुंगावली SDM ने भाजपा सांसद डॉक्टर KP यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया। डॉक्टर KP यादव और उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर प्रतिवेदन के लिए ADM अशोकनगर को भेज दिया गया है। मामला सन 2014 का है। SDM मुंगावली को मिली शिकायत में बताया गया था कि भाजपा सांसद KP यादव ने अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी वार्षिक आय क्रीमी लेयर 8 लाख प्रतिवर्ष से कम बताई थी, लेकिन जांच में SDM ने पाया कि सांसद कृष्णपाल सिंह यादव की वार्षिक आय 8 लाख से ज़्यादा और लोकसभा चुनाव के दौरान यादव ने अपनी आय 39 लाख बताई थी। दोनों आय में अंतर होने के चलते मुंगावली से कांग्रेस विधायक ब्रजेश सिंह यादव ने इसकी शिकायत SDM से की थी। जांच के बाद SDM ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर इसका प्रतिवेदन SDM को भेज दिया है। गुना सांसद KP यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त ये शिकायत मुंगावली के कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने पिछले महीने प्रशासन को की थी, जिसमें कागज भेजकर उन्होंने बताया था कि डॉक्टर KP यादव द्वारा 20 दिसंबर 2014 में पिछड़ा वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र हासिल किया गया है उसी दौरान उन्होंने अपनी आय 1 लाख से कम होना बताई थी। वहीं 23 जुलाई 2019 में उनके पुत्र सार्थक यादव ने जो जाति प्रमाण पत्र हासिल किया उसमें आय 5 लाख से कम दर्शाई गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी आय 39 लाख बताई थी। वहीं इस मामले की शिकायत दर्ज कराने वाले मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव ने सांसद डॉक्टर KP यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद उन पर धोखाधड़ी और गलत जानकारी देने का मामला दर्ज कराने की मांग की है। ब्रजेंद्र यादव के मुताबिक सांसद ने गरीब का हक मारकर इसका फायदा अपने बच्चों को दिलवाना चाहा, ये नियम के विरुद्ध है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर सांसद यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ IPC की धारा 466 दस्तावेज की कूट रचना और 181 शपथ दिलाने या अभी पुष्टि पर झूठा बयान के तहत मामला दर्ज हो सकता है। यदि ऐसा हुआ और इन मामलों में सांसद KP यादव दोषी पाए गए तो अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में KP यादव की लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।